इस वक्त ऐसा जो इंटरनेशनल ऑफिस है यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं मैं उनसे बात करता हूँ कि कहाँ से आए हुए हैं किस जगह से आए हुए हैं जी आपका न्याजी न्यूज़ में स्वागत है और आप कहाँ से आए हुए हैं जी थैंक यू फॉर आस्किंग मैं स्थान से आया हुआ हूँ इलेक्ट्रीशियन का इंटरव्यू देने के लिए जी।, जी जी क्या आपने इंटरव्यू दे दिया नहीं सर अभी तो इंटरव्यू नहीं दिया हूँ अभी आई थिंक चालू नहीं हुआ है जब चालू होंगे तो देंगे लाइन में आप लगे हुए हैं जी जी लाइन में लगे हुए हैं तो ये आपको कैसा खबर हुआ कि चेसन इंटरनेशनल ऑफिस में चलिए उन्होंने एडवर्टाइजिंग के थ्रू एडवर्टाइजिंग किया था uh -huh. उसी के थ्रू यहाँ तक पहुँचे हैं hmm. आप तो नजदीकी हैं और नगर पंचायत को के आसपास में रहने वाले हैं इस तरह का ऑफिस नगर पंचायत को साथ में जो खुल गया है जो विदेश जो बच्चे जाना चाहते हैं उनके लिए कैसा रहेगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा एक्चुअली क्या है ना कि हम लोगों की अगर बाहर जाने के लिए सोचते हैं तो मुंबई जाना, है, जाना होता है या बड़ोदरा जाना होता है या चेन्नई बहुत सारा पहले से लेकिन दूसरी जगह जाना होता है जो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है कि जाकर वहाँ पे रुकना फिर इंटरव्यू हेल्प करना अगर ये अपने लोकलिटी में चालू हुआ है तो आई थिंक बहुत अच्छा है सभी के लिए अच्छा है बहुत बेहतर है जी जी चलिए एक और नौजवान है और ये भी शायद ट्राई के लिए आए हुए हैं जी आपका शुभ तो तो नाम क्या हुआ कहाँ से आप आए हुए हैं बंजारी पंचायत से आए हुए हैं शहनवाज साहब किस चीज़ में आप इंटरव्यू देने आए हैं क्या ट्राई कर रहे हैं आप इंटरव्यू देने अच्छा अच्छा इंटरव्यू आपने कर दिया

ऐसे में जो प्रोपराइटर सोनू खान है और इनके ऑफिस में इस वक्त हमारी बात हो रही है ख़ास करके इस मौजू पे इस जगह के लिए हुआ और कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं आइए मैं उस मौजू पे बात करता हूँ जी नियादी उसमें इस्तबाल है आपका असलकुम बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये एक दिसंबर और दो दिसंबर को जो इंटरव्यू हुआ था वो आपको ये बताएं हम कि दुबई के लिए हुआ था एक दिसंबर को और दो दिसंबर को एक दुबई का था एक सऊदी का था ठीक है जिसमें कि काफ़ी लोग का इसमें सिलेक्शन हुआ यहाँ पे लगभग सत्ताईस लोगों का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे आगे नेक्स्ट इंटरव्यू जो है हम करवाने जा रहे हैं ये नौ दिसंबर को है ना? और उसके बाद फिर सोलह दिसंबर को अच्छा सुन साहब अभी जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनका इंटरव्यू लिया और से, उनका सिलेक्शन हुआ तो तो अब उनके साथ क्या मामला है उनका फिर भाई मेडिकल होगा अच्छा हाँ, उन सिलेक्शन हो गया उनका और कुछ लोगों का ऑफर लेटर भी आ गया है और आ, कल कुछ लोग उसमें से मेडिकल के लिए भी जा रहे हैं और बाकी लोगों का हो सकता है कल इनशा ऑफर लेटर आ जाए तो उसके नेक्स्ट डे सारे लोग जो है जाके अपना मेडिकल करवाएंगे कुछ लोगों का गम का मेडिकल है कुछ जो दुबई दुबई के लिए जिनका काम हुआ है उसमें नॉर्मल मेडिकल है तो कुछ लोग दुबई के लिए मेडिकल करवाएंगे और कुछ लोग अपना सऊदी के लिए मेडिकल करवाएंगे जो कि हम ये बता दें आपको कि सऊदी का मेडिकल जो है गम का मेडिकल होता है बाकी मेडिकल करवाने के बाद में अल्लाह से यही दुआ है कि सबका मेडिकल रिपोर्ट जो है बेहतर हो और बाकी आए फिर उसमें हम लोग अपना फिर हम लोग काम करें वीजा का प्रोसेस हो स्टार्ट हो जाता है मेडिकल के बाद में और इन दिसंबर तो हम नहीं बोलेंगे इसलिए कि देखिए बीजा तो सबका आ जाएगा मगर दिसंबर में फ़्लाइट नहीं कंपनी देगी इसलिए कि अभी जो है ना टिकट का जो रेट है वो थोड़ा महंगा चल रहा है मतलब ज़्यादा है तो हमारी बात हुई थी क्लाइंट से जो कि हम क्लाइंट से हम पूछे थे कि सर फ़्लाइट जो है कब तक मतलब करवाएगी ऑफिस यानी हम लोग कब तक करवा सकते हैं तो उन्होंने यही बताया कि दिसंबर के लास्ट तक तो हम लोग कोशिश करेंगे अगर टिकट अगर ठीक ठाक रहा तो फिर इसलिए कि एक साथ लगभग इतना टिकट देना एक दो टिकट अगर होता तो कंपनी दे देती तो जो भी लोग यहाँ से जाएंगे तो बल्क में जाएंगे मतलब ज़्यादातर बारह मान लीजिए दस मान लीजिए तो कंपनी जो है इस वजह से बोली कि हम जनवरी फर्स्ट में फर्स्ट वीक हो या समझिए कि दस तारीख को या पंद्रह तारीख के अंदर इन सबका टिकट आ जाएगा और सारे लोग जो है यहाँ से फ्लाइट करेंगे चलिए ये जनाब सुलूख खान साहब से मैंने जैसा के वादा कि वादा किया अपने नयादी न्यूज़ पर कि आपको हर खबर इस ऑफिस से मैं दूंगा जो लोग बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं दिन का हमें इंतजार है कि जिस दिन यहाँ से लोग पासपोर्ट और वीज़ा और टिकट लेकर इस ऑफिस से जाएंगे इन शहमान उस मंदिर को दिखाने के लिए मैं बेकरारूँ बेचैन हूँ ताकि ये भी वीडियो आपको बनाकर दिखाऊँ तो बड़ी सब बात सब के नगर पंचायत तो होता तो भी बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका और भी पहाड़ी के दामन में और लोग ही लोगा भी रहे होंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है क्या सुनता हूँ जी इनशा रमन हम भी यही चाहेंगे कि जितने लोग का सेलेक्शन हुआ है अल्लाह करे कि सारे लोगों का वैसे ही फ्लाइट भी हो जाए और लोग अपने कंपनी में जाए जाके अपना जॉब मतलब ज्वाइन कंपनी ज्वाइन करें अपने जॉब में जाए ताकि उधर से अच्छा फीडबैक मिले ए, उस फिर उसको जो हम लोग उस चीज को भी हम लोग वायरल कर सके कि, कि हाँ हमने जिनका काम करा है जिस कंपनी में वहाँ पे लोग अच्छे से रह रहे हैं काम अच्छा है सैलरी टाइम पे मिल रहा है तो उससे क्या होता है कि फिर और सारे लोग जुड़ेंगे हमसे और फिर इस ऑफिस से आके जुड़ेंगे लोग यहाँ से हम लोग और बेहतर काम जी, जी बिल्कुल देखिए आज हमारे पास एक केस आया था हम नाम तो नहीं बता सकते हैं मगर एक बंदा था ये वो क्या बोलते हैं पहाड़ी के ऊपर से आए हुए थे नागा टोली से है ना तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि बता रहे थे कि हम काम करवाए थे किसी एजेंट के थ्रू तो उनको शायद पता नहीं क्या टिकट वगैरह जो है फॉल्स टिकट दे के एयरपोर्ट भेजा गया और वहाँ पे गए तो उनका मतलब काम नहीं मतलब फ्लाइट नहीं कर पाए वो जिसके कारण फिर से उनको वापस आना पड़ा और वो आके हमको बता रहे थे परसों क्योंकि तो कल मेडिकल में हम बोले कि देखिए अब किसके थ्रू आप काम करवाए हैं उसकी जिम्मेवारी तो हम नहीं ले सकते हैं इसलिए कि वो आपका मैटर है आप उनसे बात करके अपना पैसा कोड़ी जो भी है ये कर लीजिए बता रहे थे कि हमसे साठ हज़ार रुपया अगला लिया और हमारा काम जो है नहीं हो पाया मेरे साथ में ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है तो हम उनको हम बोलेंगे ठीक है अगर देख लीजिए अगर आपको अगर आपके पास में पासपोर्ट है तो आप आ जाइए कल इंटरव्यू है यहाँ पर और देख लीजिए अगर ऐसा होता तो फिर हम आपका काम करवाएंगे इसमें तो खैर वो आएँ और अलहमदिल्ला उनका भी सलेक्शन हुआ आ, कल सुबह वो मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो बहुत सारा केस ऐसा है देखिए पहाड़ के लोग को बहुत सारा मतलब वो आइडिया नहीं है इस मामले में है ना और या जो भी गांव के गांव के तरफ के लोग हैं तो उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि हमको कैसे करना है तो यहाँ से हम मेरी यही कोशिश है कि हम लोग अच्छा काम करें लोगों में अच्छा मैसेज जाए ताकि लोग हमसे और जुड़ें और हम लोग और अच्छे से अच्छे से काम को कर सकें एक चीज़ और हम आपसे बता रहे हैं कि आगे चल के अभी तो देखिए मेरा स्टार्टिंग है आगे चल के हम ये भी फैसिलिटी देंगे अपने कैंडिडेट को कि जो भी मेडिकल कराने यहाँ से लोग जाएंगे तो अभी तो जैसे दो चार लोग जा रहे हैं तो वो खुद अपना जो भी गाड़ी का रेंट है है ना तो वो खुद से पे कर रहे हैं मगर जब बल्क में जाएंगे जैसे कि सपोज छोटी गाड़ी चलती है यहाँ से ट्रेवलर वगैरह चलती है तो अगर उसमें पंद्रह लोग सोलह लोग या अठारह बीस लोग जो होंगे अगर बल्क में होंगे ज़्यादा तादाद में होंगे तो हम क्या करेंगे पूरी गाड़ी हम ऑफिस जो है बुक करेगी और इधर से ले भी जाएगी और उधर से भी लेके आएगी जिसका चार्ज जो है एकदम फ्री रहेगा उसमें हम किसी से एक रुपया कोई चार्जेस नहीं लेने जा रहे हैं है ना आगे चल के और भी अगर कुछ हो सकता है तो देखेंगे हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का कुछ ऐसे भी लोग आएंगे हमारे पास जिनके पास में मजबूरी होगी तो अगर दिल्ली से फ़्लाइट हुआ या मुंबई से फ़्लाइट हुआ तो हम उसका भी हम एक तरफ से टिकट जो है हम दे देंगे ट्रेन का टिकट कि दिल्ली तक वो पहुंच जाए दिसंबर दो दिसंबर के इंटरव्यू में कहां कहा के लोग पहुंचे थे जैसे दूर दराज से हाँ देखिए हम आपको नहीं बता पाए बहुत दूर दूर से लोग आए थे इसमें बहुत दूर मतलब हम ये तो नहीं बोलेंगे कोई कश्मीर या कन्याकुमारी से आया था मतलब हम लोग के नगर पंचायत से बाहर के लोग थे करीब हाँ ये 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 डालटनगंज से लोग आए थे गढ़वा से आए थे इधर जपला से आए थे और एक ककुरिया गांव पड़ता है वहाँ से लोग आए थे और फिर आपको नौगरा से लोग आए थे उधर भभुआ साइड से आए थे है। संजोली से आए थे है ना औरंगाबाद से लोग आए थे किरपा से आए थे डेहरी से आए थे मतलब ज़्यादातर लोग जो है बाहर से ही आए उन लोग उन लोग का ही सिलेक्शन हुआ है और यहाँ के कुछ लोग थे अकबरपुर के मतलब कुछ लोग थे जिसमें पाँच छः लोग थे बाकी जितने भी लोग थे सब बाहर के लोग थे तो ये बहुत अच्छी बात है और आपके चैनल के ज़रिए बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमको देखने के लिए कि लोग आपके वीडियो को देख रहे हैं और कांटेक्ट भी कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं हम उनसे पूछते भी हैं कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला तो लोग बताते हैं कि हमने यूट्यूब पे वीडियो देखा था तो वीडियो जाहिर सी बात है वीडियो तो आप ही का चल रहा है अभी तो फ़िलहाल कोई चला नहीं रहा तो लोग कोई कोई लोग ये भी बोलते हैं कि हमने आज ही न्यूज़ के पे वीडियो देखे थे सर तो हमको वहाँ से आपका नंबर मिला तो हम आपसे कांटेक्ट किए तो खैर सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करें कि आपके ज़रिए हमको बहुत आसानी मतलब हो रही है अपने काम करने में बहुत हमारा काम जो है आसान हो गया है इसलिए कि हम अभी बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब बाहर निकल के या लोगों तक हम हम लोग लो के पास में जाके हम कोई अपना वैसा कॉन्टेक्ट अभी नहीं बना पा रहे तो बहुत आसान हो गया है इस आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों तक तो आपका वीडियो जा रहा है और लोग जो है ना हमसे जुड़ रहे हैं इन शह हम यही कोशिश करेंगे कि जैसे लोग जुड़ रहे हैं वैसे ही लोग जुड़े रहें और जो लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं आजी न्यूज़ को तो वो सब्सक्राइब कर दें और ताकि मतलब यहाँ का वीडियो ऑफिस का वीडियो या जो भी इंटरव्यू होगा या जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा तो वो लोगों तक मिले ताकि लोग जो है ना और आसानी से अपना काम करवा सकें इस ऑफिस से जी बहुत बहुत शुक्रिया सोनू साहब कि आपने हमारे व्यूवर्स को इतनी बात बताई और आप इतने न्यादी न्यूज़ पे आप इस खबर को देख रहे हैं तो इस खबर को मकसद ये है कि लोगों में शेयर कीजिए ताकि जो लोग परेशान हाल है जो डर बदर ठोकर खा रहे हैं डर बदर ऑफिस की चक्करें लगा रहे हैं और कामयाब नहीं हो रहे तो इन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारा शहर नगर पंचायत तो एन एस वन वन नाइन टू सी के पास एस बी आई बैंक के पास ये ऑफिस है और रोड पर ये ऑफिस मौजूद है आप आ सकते हैं और ऑफिस में रता कायम कर सकते हैं चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद है सोलह तारीख नौ तारीख नौ दिसंबर को फिर मुलाकात होगी और फिर इंटरव्यू के बाद क्या होता है बने न्यूज़ पर